हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। यहाँ पर जो भी फार्मूला लिखा गया है, यहाँ से आप यदि इस टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ जाएंगे तो टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन पर कोई भी न्यूमेरिकल हो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड कोई भी सवाल यदि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो आप इस टर्मिनोलॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है BMEP, यानी कि ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू यांत्रिक क्षमता यानी मैकेनिकल इफिशियंसी। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर में दे देगा मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है उसका मात्रक से आप पता करेंगे। यदि कोई भी वैल्यू केजी पर सेमी स्क्वायर में दिया है तो आप समझ लेंगे कि वह मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू है, यानी कि पी की वैल्यू है केजी पर सेमी स्क्वायर। और यांत्रिक क्षमता जो होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, वहां पर परसेंटेज में आपको वैल्यू दिया रहेगा। तो जब दो वैल्यू आपको दिया रहेगा तो आप ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और सेकेंड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लिखा गया है, दो नंबर में पूछा जाता है सिलेंडर एंड पिस्टन क्या होता है। तो इसमें लिखा गया कि इंजन के अंदर एक स्थित धातु का खोखला बेलन होता है जिसमें पिस्टन इंजन के जलने पर ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, उसे ही बोला जाता है सिलेंडर या पिस्टन। तो आप इसे आसानी से लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रोक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि पिस्टन का ऊपर से नीचे की ओर चलने की एक क्रिया एक स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। पिस्टन जो होता है ऊपर से नीचे चलने की जो एक क्रिया होती है उसे स्ट्रोक कहा जाता है तथा चली गई दूरी को स्ट्रोक लेंथ कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रोक क्या होता है या स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, ठीक है। अब फोर्थ टर्मिनोलॉजी में लिखा गया बोर क्या होता है। बोर जो होता है वह सिलेंडर का डायमीटर अर्थात सिलेंडर का जो होता है व्यास होता है उसी को बोला जाता है बोर। यहाँ पर लिखा गया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो उसे बोर कहा जाता है। बोर शब्द आपको जब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जब हम उस पर टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन पर आपको न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तो बताएंगे कि वहाँ पर बोर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा गया है IHP, ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है, IHP, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह शक्ति जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न होती है और पिस्टन द्वारा प्राप्त होती है उसे ही बोला जाता है IHP, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है IHP का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PLAN, यानी कि प्लान बटे 4500 मल्टीप्लीकेशन N/2। यह फार्मूला कब लगेगा, जब इंजन क्या होगा फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का होगा, यानी कि जब सिलेंडर फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का होगा तो N/2 होगा, यानी कि 4 का आधा N/2 होगा। टू स्ट्रोक साइकिल यदि फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा तो PL प्लान बटे 4500 N/2। अब फार्मूला फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए यह फार्मूला है। और यदि IHP का ही वैल्यू पूछेगा लेकिन वह मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि यदि वह टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का है तो वहां पर क्या होगा कि टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का है तो केवल यह नहीं लिखा जाएगा, सेम चीज यही रहेगा प्लान बटे 4500 N/2। तो आप इस दोनों फार्मूला को आसानी से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें क्या वैल्यू क्या रखा जाता है, जो पी है वह होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसका वैल्यू केजी पर सेमी स्क्वायर में ऑलवेज दिया रहेगा, ठीक है। मात्रक से आप पकड़ लेंगे कि वह पी का वैल्यू है। और यल का जो वैल्यू होता है यह लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और जो यल का वैल्यू होता है यदि वह सेंटीमीटर में मेंशन किया गया रहेगा तो उसको आप ऑलवेज मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर जो ए का वैल्यू होता है वह एरिया होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी एरिया यानी कि जो होता है खोखला πr², ठीक है। फिर एन का वैल्यू जो होता है वह होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि एक मीटर में कितना चक्कर लगा रहा है उसकी संख्या आपको मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। और बटे 4500 यदि फोर स्ट्रोक इंजन है तो यहाँ पर फोर रखेंगे, सवाल को आसानी से लगा लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो वैल्यू लिखा गया है सेम प्रोसेस यही मेंशन किया गया है यहाँ पर कि PL, A और यह, और यहाँ जो स्मॉल यानी लिखा गया है वह नंबर ऑफ सिलेंडर की संख्या है कि वह टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का है या फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का है। और यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है BHP, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर। इसका फार्मूला होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी IHP माइनस FHP ना, फोर्स हॉर्स पावर, या उसे बोल सकते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला होता है, देखिए आसानी से आप याद कर लेंगे, BHP बटे IHP इंटू 100। आप कैसे याद करेंगे, यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो यदि ए
के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। तो ए के बाद पहले बी आएगा यानी कि बी एच पी होगा, बी के बाद क्या आता है, आई आता है, यानी कि जो पहले आएगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब आसानी से याद हो जाएगा आपका कि मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर बी पहले आता है तो बी एच पी, आई बाद में आता है इसलिए आई नीचे रहेगा, आई एच पी मल्टीप्लीकेशन 100। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैकेनिकल इफिशियंसी का वैल्यू दे देगा, आई एच पी का वैल्यू दे देगा, बी एच पी का पूछ देगा, तो आप पछातर करके आसानी से लगा सकते हैं। यदि बी एच पी का वैल्यू पूछा है तो आप पछातर करेंगे तो मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू आई एच पी बट्टे के 100 हो जाएगा। तो आप इधर से पछातर करके किसी भी वैल्यू, यदि दो का वैल्यू दिया रहेगा तो इसका निकल जाएगा, यदि इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू पूछ सकता है आई एच पी का, तो पछातर करके आसानी से लगा सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको आसानी से समझाएंगे उसमें, ठीक है। और यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, यदि आघूर्ण ज्ञात होने पर बी एच पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि आघूर्ण का मान दिया रहेगा आपको तो वहाँ पर बी एच पी कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है बल आघूर्ण आपको जब दिया रहेगा यानी टाउ का वैल्यू जब दिया रहेगा तो बी एच पी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर बराबर 2πn इंटू टाउ बटे 4500, यह फार्मूला लगेगा यदि बल आघूर्ण का वैल्यू दिया रहेगा तब, ठीक है। और यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है ड्रा बार हार्स पावर यानी कि डी बी एच पी, इसका मतलब होता है पुल इन केजी यानी कि खिंचाव जो होता है किलोग्राम में रहेगा और जो स्पीड यानी चाल रहेगा इन मीटर, मीटर में स्पीड यानी चाल जो रहेगा मीटर में, और पर मिनट एक मिनट में कितना उसकी चाल है उसकी गणना करने के लिए क्या किया जाता है, खिंचाव केजी और उसके चाल से मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है तो ड्रा बार हार्स पावर यानी कि डी बी एच पी का वैल्यू निकल जाता है। और यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया शक्ति का प्रेशर, प्रेशर ठीक है, जिसे बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि आपको पुली का व्यास यानी कि जो पुली का व्यास रहेगा डायमीटर वो मेंशन किया रहेगा और उसका गति भी दिया रहेगा। तो आप में क्या होगा, इसका फार्मूला होता है N1D1 बराबर N2D2। इसमें क्या होता है कि N1 का वैल्यू दिया रहेगा, D1 का वैल्यू दे देगा और इसमें से D2 का वैल्यू दे देता है, N2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने मेंशन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर सवा, ताकि आपको यदि यह टर्मिनोलॉजी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और फार्मूला भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर सवाल तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को भली भांति अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन पर क्वेश्चन। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।